पहले इसको सबसे पहले ब्रेक दबाना है। अच्छा ब्रेक तो दबाना ही है, ब्रेक नहीं, सबसे पहले ब्रेक ही दबाना है। पहले ब्रेक दबाना है, उसके बाद इसको नीचे कर देना है, हैंड ब्रेक नीचे कर दिया। अब एक बार दबाया, ये स्टार्ट हो गया, अपना गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब चलाने के लिए तू तीन बार दबाया था उसको। अरे यार वो मैं तेरे को बता रहा था कि ब्रेक अगर नहीं दबा के रखेगी तो वो नहीं होगा, ब्रेक दबा के रखेगी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। डीप पे डाल दिया, अब ब्रेक पे है ना मेरा पैर, ब्रेक पे मैंने धीरे धीरे हटा दिया। अब ये गाड़ी चलने लगी, इतने ही धीरे चलेगी ये, इतना ही मुझे चला के दे दे, मैं आगे चला लूंगी। तो पर इतना धीरे नहीं चला सकते ना। फिर उसके बाद एक्सीलेटर पे धीरे धीरे दबाएंगे। ये पैर मत उठाना, ये पैर मत उठाना कि घबरा के दोनों दबाने लग जाएगी, क्योंकि एक ब्रेक दबाएगी फिर दूसरा एक्सीलेटर दबाएगी, समझ रही है ना। तो ये मत करना, रोकना है तो फिर ब्रेक धीरे 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 समझी दबाएगी ऐसे। अरे मुझे इधर से ये आ गए, खावड़ ऊपर में खड़ा कर, वेलकम वेलकम सब बंद। क्या बीच में खड़ी करूं? सब बंद है, मुझे कुछ नहीं करना है अभी ना, सब बंद है। बंद होगी गाड़ी, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। क्या मैं पहुंच जाऊंगी? दिख रहा है सामने से सब। इस पैर से नहीं करना है, राइट वाले से करना है मुझे। ये पैर इधर रख दे या इधर ही रहने दे, इसको छेड़ना ही नहीं है, उधर वो रेस्ट करने के लिए रखते हैं। अभी दो लोग जा रहे हैं, इनको चढ़ा दूंगा। यार ये लोग इधर क्यों चल रहे हैं? उनको चलना है इसलिए चल रहे हैं। ब्रेक दबाना है पहले, पहले आप ब्रेक दबा दे। दिख भी तो नहीं रहा है मुझे। तो इसीलिए बोला ना दिन में आना। ब्रेक कहाँ पे दिख रहा है? दब गया, देखा वो दिख। अब मुझे छोड़, चल रही है गाड़ी यार। आगे गड्ढा है देख, बीच में कर, बीच में कर, बीच में कर घुमा के। हाँ बीच में, एक्सीलेटर दे, अच्छा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे ये प्लान बना कि मुझे गाड़ी चलाने सिखाया जाएगा। तो रिसेंटली मुझे स्कूटी चलानी आ गई और वो चलाते देख कर के भाई ने सोचा कि हाँ अभी से गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं। हम लोग घर से थोड़ा दूर ये खाली रोड पे आए हैं गाड़ी सीखने के लिए। भाई ने मुझे जैसा जैसा बताया मैं वैसे वैसे करती गई, और ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो मुझे ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। यार ये अपने आप चल रही है गाड़ी, छोड़ इसको। अभी तो मैंने ब्रेक पे लगा रखा है अपना पैर, अब मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दे देती हूँ। भाग रही है गाड़ी। डरते डरते आज मैंने थोड़ा बहुत चला लिया है, अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं थोड़ा थोड़ा चला सकती हूँ। तो आज तो पहला दिन था, हम लोगों ने इतना ही चलाया और फिर घर वापस आ गए थे। याद है आप लोगों को मैंने कहा था कि मुझे कमरबंद बहुत पसंद है और मुझे वो बनवाना है। तो ये शॉप है जहाँ से मेरे भाई की शादी के टाइम मम्मी ने भाभी के लिए रिंग वगैरह बनवाया था, और अपने लिए भी मम्मी यहीं से लेती रहती हैं। तो हम लोग इस साइड मामा के घर आए हुए थे और अचानक से हमारा प्लान बना कि इस शॉप में देखते हैं कि कमरबंद वगैरह है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दो तीन डिज़ाइन में से एक पसंद आई जो कि हमने थोड़ा कस्टमाइज़ करके ऑर्डर दे दिया है बनवाने के लिए। फिर कुछ दिन बाद मुझे और भाभी को अपना ब्लाउज सिलवाने के लिए देना था, तो उसके लिए हम लोग जा रहे थे खारघर। वहीं पे ही वो शॉप भी है जहाँ से हम गोल्ड वगैरह का सामान लेते हैं। तो मम्मी का मंगलसूत्र टूटा हुआ था, सोचा पुराना देकर के न्यू डिज़ाइन बनवा लेंगे। और मेरी फ्रेंड भी मुंबई आई हुई है तो हम सब साथ में ही जा रहे हैं। ये मेरे कॉलेज टाइम की फ्रेंड है, हम लोग साथ में ही कॉलेज जाते थे। अब तो वो यहाँ पे नहीं रहती है तो बहुत दिनों बाद यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले हम लोग टेलर के वहाँ पे आए और मैंने अपना नाप वगैरह दिया। मुझे दो ब्लाउज सिलवाना था तो मैंने दोनों का अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। लास्ट टाइम जो मैंने साड़ी ली थी ना उसका ब्लाउज मैंने नहीं सिलवाया था, ऑनलाइन लिया था जो कि मुझे साइज भी नहीं मिला था और ऊपर से वो इतना महंगा था। तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैं सिलवाऊंगी ही। साड़ी मुझे तभी अच्छी लगती है जब उसका मैचिंग और फिटिंग का ब्लाउज हो। अब मैंने दो साड़ी का दिया हुआ है, रेडी हो जाएगा तो पूजा वगैरह में या कभी ऐसे मंदिर जाते हैं तो मैं पहन करके जाऊंगी। मैंने आप लोगों को मिंत्रा वाले हॉल के टाइम भी आई गेस बताया था कि मैंने दो साड़ी ली हुई है, तो ये वही दोनों साड़ियों के ब्लाउज हैं।
मेरा दो ही ब्लाउज था, मेरी भाभी का तीन ब्लाउज था, तो उनका भी मैंने दो का डिज़ाइन तो सेम ही दिया हुआ है, क्योंकि भाभी को भी वही डिज़ाइन अच्छा लग रहा, तो जो मेरे वाले में डिज़ाइन है वही भाभी के में भी है, एक में उनका डिफरेंट है, तो जो उनको पसंद आया वो उन्होंने बता दिया था। मेरी मम्मी और मामी दोनों यहीं से ही अपना ब्लाउज़ बनवाती हैं, इसलिए मुझे यहीं से करवाना था। एक बार और हम लोग आए थे पर ये थे नहीं, क्योंकि मेजरमेंट वगैरह इन्हीं को ही लेना था, तो हमें वापस जाना पड़ा था। आज फाइनली ये काम हो गया है। इसके बाद यहाँ पास में ही ये मार्केट था जहाँ से मैंने दो तीन बिंदी ली है, मुझे स्टोन वाली बिंदी बहुत पसंद है, यहाँ मिल भी रही थी तो मैंने वो ले लिया। और भाभी ने अपने लिए इयररिंग और गजरा वगैरह लिया था। यहाँ शॉप वाले अंकल से एक आंटी अपने हस्बैंड के साथ लड़ने आ गई थी, शायद वो शॉप वाले अंकल ने कुछ बोल दिया था उनको, तो हमने बस अपना सामान लिया, तो वो सब साथ लेकर के हम लोग आ गए यहाँ ज्वेलरी शॉप पे, जहाँ मुझे ये बहुत ही क्यूट सा डॉगी दिखा जिसके साथ थोड़ा बहुत हमने खेल लिया। हाय, ये डॉग मैं बहुत इसका क्या नेम है? टिप्सी। टिप्सी। डॉग्स देखते ही मुझे सिर्फ और सिर्फ पुच्चू की याद आती है। आई विश वो भी होती तो मैं उसे भी हमारे साथ लेकर के घूमती, जहाँ जहाँ हम लोग जाते सब जगह मैं उसे लेकर के जाती। फिर सोनार के यहाँ आज हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मम्मी के लिए न्यू डिज़ाइन चूज़ करना था और कुछ ऐसा डिज़ाइन पसंद भी नहीं आ रहा था, तो मैंने और भाई ने कस्टमाइज़ करवाया, अब देखो वो कैसा बनता है। मेरी फ्रेंड और भाभी यहाँ पायल देख रहे थे, तो मेरी फ्रेंड ने अपने लिए एक सुंदर सी पायल ली। मुझे ज्वेलरी में पायल और कमरबंद सबसे ज़्यादा पसंद है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है शायद। आपको क्या पसंद है कॉमेंट करना मत भूलना। ये सब करने के बाद ऑलरेडी 10 बज गए थे, अब घर जाकर के खाना कौन बनाता, तो हम लोगों ने बाहर ही खा लिया आज। यहीं पे ही हम लोग हर बार आते हैं खाना खाने, तो हम लोग यहीं बाहर आ गए खाने। और यहाँ का खाना मैंने आप लोगों को बताया कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, बाकी हम लोग तो बहुत बार आ चुके हैं, मतलब हम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम है और शायद वो पहले भी यहाँ पे आई हुई है। वैसे हम लोग साथ में पहले इतना बाहर नहीं जाते थे, अब जाने लग गए हैं तो बाहर ही खा लेते हैं। जब तक हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या खाना है, मम्मी पता नहीं कौन से डिज़ाइन मेरी फ्रेंड को यहाँ दिखा रही है, अब ये राज भी इन्हीं दोनों के ही बीच में है। पहले हमने यहाँ पे पापड़ खाया, फिर स्टार्टर में वेज कबाब वगैरह था, लास्ट में बास्केट रोटी और पनीर की सब्जी। ये हमारा फिक्स रहता है, हम कहीं भी जाएं यही सब हम ऑर्डर करते हैं। आप लोगों को बाहर के खाने में क्या क्या पसंद है या क्या सबसे ज़्यादा खाते हैं मुझे ज़रूर बताना। यहाँ से खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकले और अब घर जाकर के वही चेंज वगैरह करके सोना ही था, तो मैंने वीडियो यहीं पे ही ख़त्म कर दी। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं और भी व्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगी। बस अब जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।